राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीना ढोलक संगीत में। फ्रेंड कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया ताल लेके आ गई हूँ। इसमें आपको क्या करना है, कोई झंझट नहीं, बिल्कुल आसान ताल लेके आई हूँ। इसमें ना आपको ज़्यादा टेंशन है, ना दिमाग चलाना है, ना फिंगर चलाना है, आसान ढोलक बजाना है। और मैं आपको शुरू से बता रही हूँ फ्रेंड्स कि जो मेरे व्यूवर हमसे सीख रहे हैं, या बहुत सारे व्यूवर का ऐसे कमेंट्स आता है कि ये हार्ड है, ये कैसे किया, ये मैच कैसे किया, प्रॉब्लम होती है, तो मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ और आज भी बताती हूँ। मैं आप लोगों के लिए ऐसा ऐसा ताल तैयार करती हूँ ताकि आप लोग को सीखने में, बजाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, आप लोग आसानी से बजा सके। तो फ्रेंड्स ज़्यादा समय नहीं लूँगी, चलती हूँ लेसन की ओर। देखिए आज मैं आप लोगों के लिए कैसा लेसन लेके आई हूँ। जो बिगनर्स हैं हमारे, जो जिनको बिल्कुल ढोलक की जानकारी नहीं है, उनके लिए थोड़ी सी नॉलेज दे दूँ, ताकि वो अगर पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमसे सीख रहे हैं, हमारे चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। पसंद आएगा तो लाइक कर ही दीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। ये चैटी साइड है, मैं इस पे लेफ्ट हैंड यूज करती हूँ। आपका जो भी हैंड चलता है आप यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे हमको फिंगर चलाना है। फिंगर चलाने का मतलब ये है कि आपको हर ताल में, हर स्टेप में अलग अलग फिंगर चलाना होता है। जो ताल में जैसा फिंगर गुरु सिखाते हैं, टीचर सिखाती है, उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है और उसी हिसाब से आपको बजाना है। तो ये आपका हो गया बेस साइड। बेस साइड का जो है ये खुला बेस हो गया और ये बीच में बंद बेस हो गया। साइड में जो फिंगर चलाना है इसका आपको ट्यून पकड़िए, इसका ट्यून क्या है ये इस पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हर ताल का अलग अलग म्यूजिक का ट्यून, साउंड, सब चीज़ अलग रहता है। तो ये जो मैं ताल लेके आई हूँ इसका ट्यून, फिंगर कैसे चलता है उस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दादरा का अलग है, कहरवा का अलग है, और जो एक्स्ट्रा छोटे मोटे लेसन होते हैं जो महिला मंडली बजाती है उसका ट्यून अलग होता है। इसका ट्यून ये है। इसी को आपको ध्यान में रखना है। और इसमें क्या है, बेस साइड चलाना इजी है, यही थोड़ा समझने का है, समझना है सिर्फ, चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको बजाना कैसा है, ये चीज यहाँ पे आपका जो लेडीज संगीत ताल का जो चलता है, 2-3-4, 2-3-4 वही चलेगा। और एक चीज़ और मैं इसमें आपको एक ट्रिक बता देती हूँ जिससे आपको ये लेसन और आसान हो जाएगा। आप यहाँ, अगर आपको यहाँ 3 बीट लगाने में प्रॉब्लम होती है तो फिलहाल आप 2 ही बीट यहाँ लगाइए और तीसरा यहाँ लगा दीजिए, बंद बेस में 2 बीट खुले पे, बंद। वैसे पहले मैं 2-3 ऐसे कर दूँ, पर एक इसमें क्या, एक को आप अभी फिलहाल छोड़ दीजिए, क्योंकि नए होते हैं, बिगनर्स होते हैं, तो उनको थोड़ा परेशानी होती है। तो आप यहाँ 2 बीट लगाइए, यहाँ एक, मैं 3 नहीं लगा रही हूँ, 2 ही बीट
बता दी मैं आप इसको, इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक बीट को आप कैप कर सकते हैं और दो बीट, और यहाँ पे आपको ये फिंगर चलाने के लिए जो मैं बताई इसमें, इसका भी ट्यून मैं आपको कहाँ पे लगती है ये थोड़ा समझने का है, यही थोड़ा मैं इसके लिए बोली कि इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं, सिर्फ समझना है, बजाने का उतना टेंशन नहीं, इसमें खाली समझना है। मैं बीट तो 5 लगाई और बोल रही हूँ 4, तो ये कैसे होता है, इसको आप सस्पेंस ढोलक भी बोल सकते हैं, एक इसमें सस्पेंस है, तो इसके लिए आप इस ताल को सस्पेंस ताल भी बोल सकते हैं। ये मेरा एक अपना खुद का नाम रखा हुआ है, अपना बन जाने का तरीका है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, इसके लिए मैं आपको ये चीज़ क्लियर करके बता देती हूँ। देखिए कहाँ पे हमको इसमें क्या करना है, 1 2 3 4, एक शुरुआत हमको यहाँ से करना है, आपको बोली थी एक नंबर इसमें गैप होता है वो कहाँ होता है, 1 2 3 हो गया ना, 3 और 9 दो बीट लगाना है, 3 में 2 वर्ड आता है, 3 और 9, तो 3 9 दोनों में हमको बीट लगानी है। बोलते हैं हम 1 3, लेकिन हमको वहाँ 3 में 2 बीट लगानी है, 9 अलग इसमें 9 यहाँ आ गया, 1 2 3 3 यहाँ आया, 9 यहाँ आया, समझ गए, और 4 यहाँ आया, 1 2 3 4, 1 2 3 9 4, 1 2 3 9 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 9 4, 1 2 3 1 2 3 9 4, 3 में हमको 2 बीट लगाना है, इसका सस्पेंस यही है, 1 2 3 9 4, 1 2 3 9 4, इधर आपको 2 बीट लगाइए, 100 सेट हो जाएगा तो इसमें आप ये छोटा सा फिलर लगाइए, उठान लगाइए, ये मस्त बचेगा।